हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, कैसे एप्लीकेशन करनी है, क्या लास्ट डेट है, क्या क्या पोस्ट है, ये तो थंबनेल पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है, लेकिन इसमें पे स्केल दी जा रही है। मतलब बाकी जो वैकेंसीज आती हैं उनमें फिक्स सैलरी रहती है, लेकिन यहाँ पर बेसिक पे प्लस अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में दी जाती है। परमानेंट पोस्ट है, 188 पोस्ट है। तो आगे हम बात करेंगे कि कौन से सर्कल में आई हुई, कहाँ पर आई हुई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। एडवर्टीजमेंट की जो डिस्प्ले है वो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख सकेंगे। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट लिखा है और कितनी कितनी वैकेंसी किस किस सिटी में है वो भी लिखा है। तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस और टोटल मिला के यहाँ पर सबसे लास्ट में सम टोटल हम देखेंगे। मतलब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मिलाकर टोटल यहाँ पे राइट लोअर कॉर्नर में आप देख सकेंगे 188 पोस्ट है टोटल। नोटिस इस तरीके से नजर आ रही है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया गुजरात सर्कल से आई हुई है। गुजरात सर्कल में जो अलग अलग सिटीज हैं वहां पर वैकेंसीज फिल की जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है पोस्ट ऑफिस की, इसकी नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से 22 अक्टूबर को जारी की गई है। पहले एक नोटिस जारी की गई थी, वो कैंसिल हो गया, कैंसलेशन ऑफ नोटिफिकेशन। और ये स्पोर्ट्स कोटा है, तो इसमें स्पोर्ट्स कोटा पहले तो इन द कैडर ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन गुजरात पोस्टल सर्कल फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज अप टू द ईयर 2021। तो पहले एक एडवर्टीजमेंट आई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और अब फिर से नोटिफिकेशन जारी की गई है और फ्रेश एप्लीकेशन लिए जाएंगे। तो स्पोर्ट्स कोटा, ये आपको ध्यान देना होगा, नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी होगी, 10, 12 जो भी है, उसके साथ में स्पोर्ट्स के नाम दिए, इन स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर या जो भी है स्कूल लेवल पर। ये बताया गया है कि किस लेवल पर आपने अगर पार्टिसिपेट किया है किस किस गेम में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकेंगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन की डेट है वो 23 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक रहेगी। 23 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी और किस तरीके से एप्लीकेशन करें। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। 25,500 की बेसिक पे स्टार्टिंग है, ये सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे है। प्लस इसमें भत्ते मिलते हैं, अलाउंसेस, जिसको आप हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस मीन्स महंगाई भत्ता, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, मेडिकल होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। इसके अलावा भी कई सारे अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सैलरी आप 35,000 से ऊपर ही एक्सपेक्ट करें। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 बेसिक पे रहेगा और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए 21,700। इसमें अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट रहता है, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अगर एलिजिबल हैं तो। पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। ये जो एज लिमिट में आपको बता रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए होता है, फिर एज लिमिट में एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, अपर एज लिमिट में, ऊपरी आयु सीमा में रिलैक्सेशन रहती है। तो ये जो एज मैं आपको बता रही हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए भी 18 to 27 ईयर्स की एज लिमिट रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 to 25 ईयर्स की एज लिमिट होने वाली है। इसके बाद एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 ईयर्स की, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 10 ईयर्स, इसी तरीके से और कैटेगरी को। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये सिटी वाइज, जैसे गुजरात में अलग अलग सिटीज में कितने कितने पोस्ट हैं, इसमें अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी गेम में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ एज क्राइटेरिया मीट करते हुए। तो मिनिमम पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए क्या बताया जा रहा है, मिनिमम 12 पास होना चाहिए। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरेशन बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो एक या फिर आपने
कंप्यूटर अगर पढ़ा है 10th तक या 12th में, कहीं पर भी आपने पढ़ा है, 12th तो पास होना होगा मिनिमम, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परसेंटेज के साथ में आपने 12th पास किया हुआ है, और साथ में अगर आपने 10th तक या 10 में या 12 में कहीं पे कंप्यूटर बेसिक पढ़ाई की है एक पेपर, तो ठीक है। अगर नहीं किए तो फिर 60 डेज का, 60 दिनों का एक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना होगा, और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज पर पारा 7। तो हम पारा 7 में क्या लिखा है वो चेक करेंगे। पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए भी अप्लाई करने के लिए मिनिमम 12 पास होना चाहिए, और इस पोस्ट के लिए आपको लोकल लैंग्वेज गुजराती आनी होगी, और आपने 10th तक जरूर गुजराती पढ़ी हो, लेकिन ऊपर वाले पोस्ट के लिए ऐसा कंडीशन नहीं है। तो इसमें जो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी कर सकते हैं अप्लाई, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट में, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में तो आना होगा। और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि गुजराती आपने एक सब्जेक्ट 10th तक पढ़ी होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और इसी तरीके से अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, मतलब कंप्यूटर आपने पढ़ाई की है 10 या 12 में, तो बहुत अच्छा, अदरवाइज एक 60 दिनों का, मतलब 2 महीने का आपके पास एक कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी बाहर के स्टेट के कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे अप्लाई, क्योंकि इसमें 10वीं पास 10th पास होना चाहिए, और साथ में गुजराती आपने 10th तक पढ़ा होना चाहिए, मतलब आपको गुजराती आनी भी चाहिए, 10th तक आपने पढ़ा है तो वो चलेगा। इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम लिया, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इज फर्निश्ड बिलो। अब इसमें कई सारे स्पोर्ट्स के नेम लिखे हुए, पेज नंबर 5 पे चेक कर सकते हैं इस एडवर्टीजमेंट में। ये एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलेगी ये भी लेकर चलते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में एज क्राइटेरिया मीट हो रही है। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं पहली वाली पोस्ट के लिए। आर्केरी, अत्या पत्या, बॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रेज, चेस, तो ये सारे लिस्ट आप देख लें। 46 से भी ज्यादा, 64 यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, इसमें से किसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया, कैसे पार्टिसिपेट किया, तो नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स, स्कूल लेवल पर अगर यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिली हुई है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट किया, नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्ट किया, या फिर इंटर, कोई भी एक चाहिए, इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया है आपने, या फिर फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में आपने पार्ट लिया है, तो इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट यहाँ जो लिखा हुआ है इतने में कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है पेज नंबर 6 पे, ऊपर जो भी स्पोर्ट्स लिखे हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसी फिर रहेगी आपके लिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन में इसमें एग्जाम तो होते नहीं है, मेरिट लिस्ट हो जाती है, प्रिपेयर स्पोर्ट्स कोटा है ही, आपके 10-12 का मार्कशीट है, उसके बेसिस पर आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनती है, और प्रिपरेशन उस पर ही सिलेक्शन होती है, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, इंटरव्यू भी नहीं होता इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है या ऑफलाइन है ये देख लेते हैं। एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड बाय द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ है, DOP sportsrecruitment.in, इस पे जाके अप्लाई करना होगा, और जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो कैंसिल हो गया तो उनको फिर से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है लिंक, इस पे जाके आपको एप्लीकेशन करनी होगी। एडवर्टीजमेंट कहाँ देख सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कुछ फीस रहती है, अभी फिलहाल मुझे फीस नजर नहीं आ रही, आप अच्छे से पढ़ लें अगर फीस है तो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है indianpost.gov.in पर, इस पर आपको चले आना है अगर आप एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं तो। यहाँ पर देखिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट, पहले न्यूज एंड अपडेट है, इसके साइड में टेंडर्स नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर की डेट से एक नोटिफिकेशन, थोड़ी स्क्रीन बड़ी करते पहले, तो ये कैंसलेशन ऑफ नोटिफिकेशन एंड इश्यू ऑफ फ्रेश नोटिफिकेशन फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन किस पे करना है, इसमें ही एडवर्टीजमेंट में एक लिंक मैंने बता दी है, आप उसको चेक करें तो आपको लिंक पता चलेगी कि कहाँ पर जाकर एप्लीकेशन करनी है। तो ये है गुजरात पोस्टल सर्कल के लिए, अभी एक सर्कल के लिए आए तो हो सकता है और सर्कल्स के लिए भी स्पोर्ट्स कोटा में आए, नॉर्मल भी वैकेंसीज आने की बात है, 98,000 कुछ लिस्ट प्रिपेयर हुई है, तो वो देखते कब तक आती है। जो भी अपडेट रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर मिलेगी टाइम टू टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। आप सभी को बेस्ट विशेष, थैंक यू वेरी मच।